भिवानी पुलिस ने एक ऐसे खूंखार बदमाश को काबू किया है जो हत्या व लड़ाई झगड़ों के आरोप में जेल से जमानत पर आने के बाद फिर से जमीनों पर कब्जा करने के लिए व कोर्ट में गवाही न देने के लिए लोगों को डराने व धमकाने के ठेके लेता है। आरोपी बदमाश से पुलिस ने 2 अवैध पिस्तौल व 4 कारतूस बरामद किए हैं। हम अपने कोर्ट रोड पर अस्पताल ग्राउंड पर रहे थे, उस टाइम मुखबर खास ने बताया कि एक एता अरजीत उर्फ एता नाम का लड़का जो कि डॉग फार्म के पीछे एक कोठी में रहता है और उसके आगे बैठा हुआ है, अगर फुल रेड की जाए तो असले सहित काबू आ सकता है। तो मैंने अपने साथियों के साथ जाकर के वह रेड की तो उस लड़के को काबू किया, तो उसका नाम पता पूछने पर उसने अरजीत सिंह अरजीत उर्फ एता बताया और उसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जा से 315 बोर के 2 पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। पहले इसके खिलाफ 2006 में लड़ाई झगड़े का और 2007 में मर्डर का मुकदमा दर्ज है। दादरी गेट पर एक पप्पू नाम के लड़के का इन्होंने गोली मार के मर्डर किया था और उसके बाद 2016 में इसके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज है और एक अब ये हमने किया है अभी। ये हथियार में शहर के कई लड़कों के संपर्क में रहता है और ये गवाह वगैरह को कोर्ट में धमकाने के लिए कई बार कई मामले में कोर्टों में गवाहों को धमकाने की योजना बना रहे थे और हमने इसको काबू किया और पूछताछ कर रहे हैं। भिवानी से अमन शर्मा की रिपोर्ट। समय समय पर अन्य खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।